Hi everyone. In this video, we're going to talk about the hormonal regulation on fatty acid metabolism. So what we are going to talk about? We're going to talk about hormonal regulation on what? Hormonal regulation on fatty acid metabolism. It simply means how hormonal levels altered fatty acid catabolism and anabolism processes. In my previous video, हम लोगों ने क्या बात किया था? हम लोगों ने fatty acid anabolism, मतलब fatty acid biosynthesis के बारे में बात किया था. और दूसरे video में हम लोगों ने fatty acid oxidation और fatty acid breakdown के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, है कि नहीं? तो इस video में हम क्या देखने वाले हैं? इस video में हम देखने वाले हैं कि fatty acid जो anabolism या फिर catabolic reaction हो रहा है, उसी anabolism और catabolism reaction में hormones का क्या role है? और दूसरा हम जो देखेंगे वो है कि मेटाबॉलिक स्टेट के ऊपर कैसे ये हार्मोनल लेवल भी डिपेंडेंट है. तो सब कुछ आ जाता है खाने पे. तो अभी हम देखेंगे एक सिचुएशन पे जहां पे हम लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है और लो है, दैट मींस अ फेड एंड अ फास्टेड स्टेट. बट उसके पहले हम लोग बहुत ही सिंपलिसिटी से स्टार्ट करते. जैसे हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द की साइट फॉर बीटा ऑक्सीडेशन, है कि नहीं? सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द की साइट फॉर बीटा ऑक्सीडेशन, वेयर एज द बायोसिंथेसिस पार्ट और द फैटी एसिड एनाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल. सो माइटोकॉन्ड्रिया हैज ऑल द एंजाइम्स फॉर बीटा ऑक्सीडेशन, राइट? And we have also seen there are carnitine acyl transferases which would allow fatty acid to get into the mitochondria, only then it can be broken. But inside the cytosol, which product is very important for fatty acid biosynthesis? We have seen, right? Acetyl-CoA. So acetyl-CoA is very important, or the raw material for fatty acid biosynthesis. So this is acetyl-CoA. And this acetyl-CoA, it actually gets converted. Converted into what? Converted into malonyl-CoA. And the malonyl-CoA is the first step of this fatty acid biosynthesis pathway. So I would say fatty acid biosynthesis. Now what is going to happen? This process of conversion of acetyl-CoA to malonyl-CoA, ye jo process hai na, ye process kaun trigger karta hai? Acetyl-CoA carboxylase. अभी एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज ये प्रोसेस को ट्रिगर करता है, लेकिन एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज का कोएंजाइम बायोटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्रोसेस में. तो हम लोगों ने देखा कि एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है, राइट? तो रेट लिमिटिंग क्यों है? क्योंकि ये एंजाइम को मॉड्यूलेट करेंगे तो पूरा फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे को हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं. तो पूरा फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे मॉड्यूलेट कैसे कर सकते हैं? जस्ट बाय मॉड्यूलेटिंग द लेवल ऑफ acetyl CoA carboxylase or the activity of acetyl CoA carboxylase. तो acetyl CoA carboxylase क्या होता है? Acetyl CoA carboxylase दोनों state में रहता है. एक state में वो activated है, जैसे ये state में वो activated है, और दूसरा state यहाँ पे ये है inactive, okay? और ये state में ये active है. जब active है वो malonyl CoA बनाता है, लेकिन active कौन सा state में है और inactive कौन सा state में है? इनएक्टिव स्टेट में वो फॉस्फोराइलेटेड रहता है. तो इन अ नॉर्मल सिचुएशन देयर इज अ स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑल ऑफ दीज टू फॉर्म्स. सम ऑफ देम आर गेटिंग फॉस्फोराइलेटेड, सम ऑफ देम आर गेटिंग डीफॉस्फोराइलेटेड, एंड देयर इज ऑलवेज इंटरचेंजिंग बिटवीन ऑल ऑफ दीज पॉपुलेशन, एंड देयर इज अ स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ एक्टिव एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, एंड दैट इज हेल्पिंग आउट दीज मेलोनाइल कोए जनरेशन. ओके, now what is important is any factors which would regulate these altered state of the enzyme or which would allow these state of the enzyme to be changed, wo kya karega? Wo fatty acid biosynthesis pathway ko regulate karega, right? aur abhi aap dekhna chahiye, hum logo ko jo dekhna padega wo hai ye process ko kon actually positively aur kon negatively regulate karta hai, wo humko dekhna padega, राइट? तो देखते, तो डेफिनेटली फॉस्फोराइलेटेड स्टेट से डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में आने में कोई ना कोई एक फॉस्फेटेज एंजाइम का तो काम होगा ही, राइट?
और इसमें जो काम करता है वो है फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, और ये फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज इज एक्चुअली ट्रिगर्ड बाय इंसुलिन। सो इंसुलिन हार्मोन, पहले ही हम लोगों ने ला दिया इंसुलिन का रोल। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन एक पॉजिटिव रेगुलेटर है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिव करेगा, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज इंडीड एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज को एक्टिव करेगा एंड देयर बाय मेलानाइल को एक जेनरेट करेगा, राइट। ये पॉजिटिव रेगुलेटर है इसलिए ग्रीन से लिखा है। तो इंसुलिन भाई कब ज्यादा होगा, जब बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होगा, राइट। बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई है तो इंसुलिन लेवल भी हाई हो जाएगा, राइट। मतलब इन शॉर्ट इन योर फेड स्टेट, मतलब अपना बॉडी जब फेड स्टेट में रहता है, जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज रहता है और बहुत ज्यादा एटीपी बहुत ज्यादा रहता है, तब बॉडी उतना ज्यादा ग्लूकोज लेके एटीपी नहीं बनाएगा, रादर बॉडी वुड ट्राई टू मेक मोर फैट, एंड इन दैट प्रोसेस हार्मोन इंसुलिन इज रियली हेल्पफुल, एंड फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज जो कि इंसुलिन से ट्रिगर्ड होता है वो हेल्प करता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को एक्टिव बनने में, ओके। सो एक्टिव बनने में हेल्प करता है फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज, लेकिन कोई तो एक इसको अगर फॉस्फोराइलेट कर दिया, मतलब कोई एक मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन काइनेज ए अगर इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया तो क्या होगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा, राइट, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज का, और मेलानाइल कोए नहीं बनेगा तो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। तो प्रोटीन काइनेज ए को कौन एक्टिवेट करता है, देखा गया है ग्लूकागॉन एक्टिवेट्स प्रोटीन काइनेज ए, एंड विच सिचुएशन इवोक्स ग्लूकागॉन लेवल, व्हेन ग्लूकोज लेवल इज वेरी वेरी लो, ग्लूकोज लेवल इज फॉलिंग डाउन, ग्लूकागॉन इज गेटिंग अप, सो ग्लूकागॉन इज अप व्हेन ग्लूकोज लेवल इज लो, एंड इनडीड इट मिमिक्स अ फास्टेड स्टेट। तो देखो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ना, फास्टेड स्टेट में जब हमारा हार्मोनल लेवल मतलब ग्लूकागॉन लेवल हाई है, ग्लूकोज लेवल लो है, इस सिचुएशन में वाइज क्या होगा, फैट तोड़ के एनर्जी बनाओ। इस सिचुएशन में ये तो वाइज नहीं होगा कि तुम फैट बनाते जाओ, क्योंकि ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत ज्यादा एटीपी है, जब ग्लूकोज लेवल लो है हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं है, इसी सिचुएशन में हमको एटीपी चाहिए, हम एटीपी को खर्चा नहीं करने वाले, इसीलिए बॉडी प्रिसाइजली एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को रेगुलेट करके फैटी एसिड बायोसिंथेसिस को बंद रखता है। सो ग्लूकोज गॉन, क्या होगा, बायोसिंथेसिस इज ऑल्सो गॉन, और ब्रेकडाउन इज ऑन, ग्लूकोज गॉन ब्रेकडाउन ऑन, यही हमको समझना है। लेकिन ग्लूकोज जब बहुत ज्यादा होता है, इंसुलिन भी लेवल ज्यादा है, इसी सिचुएशन में बॉडी को दिखता है कि आप बहुत ज्यादा एटीपी है, तो अभी इतना एटीपी लेके करूंगा क्या, तो जितना भी हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का इंटरमीडिएट है जैसे एसिटाइल को है उसको डाल दो, उसको कहां पे डाल दो, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पे, और फैट के रूप में उसको स्टोर करके रखो। तो ये तो आ गया हमारा फैटी एसिड एनाबॉलिज्म कैसे रेगुलेटेड होता है अपना हार्मोन लेवल पे, लेकिन यही सेम हार्मोन लेवल कैसे हमारा फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है वो हमको अभी देखना है। तो हम लोग वही अभी देखने वाला है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे ट्रिगर्ड होता है। तो हम लोगों ने फिर ड्रॉ किया एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि फैटी एसिड ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड ब्रेकडाउन होता है, राइट। तो अभी हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या चेंजेस आ रहा है और कौन सा सिचुएशन में फैटी एसिड ब्रेकडाउन ट्रिगर्ड हो रहा है। और कल का लेक्चर अगर याद है आपको तो आपको याद रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में दो प्रोटीन कॉम्पोनेंट्स है जिसको हम बोलते हैं कैट और कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1 एंड कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 2, जो कि फैटी एसिड को एक्चुअली अपना जो फैटी एसिड को बेसिकली ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। और ये फैटी एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है ये बनाता है फैटी एसाइल कोए, और अल्टीमेटली वही डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में क्या बनाता है, एसिटाइल कोए और एसाइल कोए, और एसाइल कोए फिर से जाके ब्रेकडाउन होगा, राइट। तो ये है हमारा
ओवरऑल लेआउट ऑफ फैटी एसिड ब्रेकडाउन। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि फैटी एसिड जो है, जो कि साइटोप्लाज्म में है अभी, सो इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया, वरना ब्रेकडाउन कैसे होगा, क्योंकि ब्रेकडाउन तो हो रहा है पूरा माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम से, सो साइटोप्लाज्म से लेके माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, तो ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। तो ये जो कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज है, इसको अगर समहाउ कोई रेगुलेट करेगा पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो कितना ट्रांसपोर्ट फैट का होगा अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, वो भी रेगुलेटेड हो जाएगा। देखा गया है कि अपना जो मेलोनाइल कोए है, जो मेलोनाइल कोए है ना, वो मेलोनाइल कोए क्या करता है, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज को नेगेटिवली रेगुलेट करता है। मतलब मेलोनाइल कोए ज्यादा होगा तो ज्यादा फैटी एसिड अंदर नहीं घुसेगा, रैदर क्या होगा, ये फैटी एसिड बायोसिंथेसिस पे चला जाएगा। तो अब बताओ मेलोनाइल कोए कब आएगा ज्यादा, जब हमारे पास एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एक्टिवेटेड होगा, और वो कब है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एक्टिवेटेड कब है, जब हमारा एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में रहेगा। और स्पेशली वो कब होता है, जब इंसुलिन डिराइव फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज उसको एक्टिवेट करता है, और इंसुलिन कब एक्टिवेट होता है, जब हमारा ग्लूकोज लेवल हाई है। सो अब ने क्या देखा, ग्लूकोज लेवल बहुत हाई है तो मेलोनाइल कोए प्रोड्यूस होगा, और मेलोनाइल कोए इंडीड फैटी एसिड बायोसिंथेसिस को प्रोमोट करेगा और ब्रेकडाउन को प्रिवेंट कर देगा, राइट। सो मेलोनाइल कोए इज ऑलवेज अ गुड रेगुलेटर, जो कि फैटी एसिड ब्रेकडाउन को स्टॉप कर देगा और बायोसिंथेसिस को प्रोमोट करेगा। अभी अगर दूसरा तरफ सोचो, दूसरा तरफ अगर सोचो तो क्या होगा, ये जो ऑपोजिट रिएक्शन है, ये जो ऑपोजिट रिएक्शन हम लोगों ने बोला, मतलब डीएक्टिवेशन ऑफ द एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, वो किससे होगा, प्रोटीन काइनेज ए, जिसको एक्टिवेट करेगा ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन कब एक्टिवेट करेगा, जब ग्लूकोज लेवल लो हो जाएगा, और ग्लूकोज लेवल तभी लो होगा जब फास्टिंग स्टेट में जाएगा। ग्लूकोज लेवल लो तो मेलोनाइल कोए लेवल भी लो, मेलोनाइल कोए लेवल ओ लो होगा तो क्या होगा, ये पूरा जो इनहिबिशन है वो पूरा इनहिबिशन उठ जाएगा, इनहिबिशन घट जाएगा, तो क्या होगा, हमको फैटी एसिड अंदर घुस पाएगा, फैटी एसिड टूट जाएगा और वो एसिटाइल कोए बन जाएगा। अभी एसिटाइल कोए जो मिला वही अभी टीसीए साइकिल में आएगा, और वही टीसीएल साइकिल में जाके एटीपी बनाएगा, जो कि एक फास्टिंग स्टेट में हमको जरूरत है। ऐसे ही ब्यूटिफुली अपना बॉडी में हार्मोनल लेवल, मेटाबॉलिक स्टेट और अपना सेल सिग्नलिंग इंटरलिंक्ड है। कैसे हम लोगों ने देखा, पूरा सिस्टम लेवल तक से शुरू करके पूरा सेलुलर सिग्नलिंग लेवल तक हम लोगों ने चीज़ों को समझा, और ऐसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म नाइसली ऑर्केस्ट्रेटेड है, एंड टोटल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इज डिपेंडेंट अपॉन मेटाबॉलिक डिमांड, बॉडी का एनर्जी डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट है कि फैटी एसिड बनाऊंगा या फिर तोड़ूंगा, और ये बैलेंस जैसे रेगुलेटेड होगा। तो ये वीडियो में हमको समझ में आ गया कि फैटी एसिड बनाना और तोड़ने का बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, और उसमें हार्मोन का क्या रोल है, स्पेशली हम लोगों ने देखा ग्लूकागॉन और इंसुलिन का क्या रोल है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप दोस्तों में शेयर करना, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।